नमस्कार, मैं गौरव बिग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जून 2020 दिन रविवार को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। सोलर एक्लिप्स ये कहा जा रहा है और बहुत ज्यादा इस बारे में बातचीत सुनने को मिल रही है। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ समाधान की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ग्रहण बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत सी राशियों के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ने वाला है इस ग्रहण का। मैं अपनी समझ के मुताबिक और बहुत सारे संतों गुरुजनों के द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में कुछ बात करूंगा। ये ग्रहण सुबह 10:17 पर शुरू होगा और इसका जो परम ग्रास यानी मध्य भाग जब ये पूरा कंप्लीट होता है, दैट इज 12:10 दिन के, और ये ग्रहण 2:02 पे समाप्त हो जाएगा। इसका जो आउटर रिंग होता है, सूर्य के इर्द गिर्द जो आउटर रिंग बन जाता है, वो भी 3:04 पे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यानी बहुत लंबी अवधि का ये ग्रहण पड़ने वाला है। नो डाउट जब भी कुछ ब्रह्मांड में कोई भी ट्रेंड होता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर जरूर होता है, क्योंकि कहा गया है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो बाहर है वो भीतर भी है और जो भीतर है वही बाहर है। तो यदि बाहर ब्रह्मांड में कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, तो उसका प्रभाव परिणाम हमारे ऊपर अवश्य पड़ेगा, अच्छा बुरा दोनों तरह के। अभी जब तीन ग्रहण एक दूसरे के इतने नजदीक पास पास पड़ते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। परंतु कहा जाता है कि अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो पिछले वाले सूर्य ग्रहण का, जब नया सूर्य ग्रहण, अगला सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो पिछले वाले का प्रभाव निष्क्रिय यानी खत्म हो जाता है। अभी दिसंबर में लास्ट ईयर जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसका प्रभाव अब खत्म हो जाएगा, परंतु इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। मैं अब बात करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभाव कुछ भी हो, दुष्प्रभाव हो, कुछ भी हो, उससे डरने के साथ कोई फायदा नहीं होता है। परंतु यदि आप अवेयर हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो आपके ऊपर बहुत कोई बड़ा संकट या बहुत कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। सो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यह समझना कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। हमें दान पुण्य कर्म करने चाहिए, हमें पूजा दप तप मेडिटेशन मंत्र जाप करना चाहिए, परंतु वो सब किसी आसन पे बैठ करके नहीं करना चाहिए, किसी माला को लेकर के नहीं करना चाहिए, किसी ज्योत को जगा करके नहीं करना चाहिए। हमें वैसे ही वो करना चाहिए पाठ पूजा, और दान का बहुत महत्व इसमें बताया गया है। दान करना चाहिए, दान आप गेहूं का दान बहुत उत्तम माना गया है सूर्य ग्रहण में, गेहूं का दान, लाल कपड़े का दान। सो आप ये कर सकते हैं कि लाल कपड़ा घर में जमीन के ऊपर बिछाइए, नया लाल कपड़ा ले आइए 1.25 मीटर के आसपास, और उसको घर में जमीन पर बिछा करके उसके ऊपर गेहूं रखिए, कम से कम 1.25 किलो से ज्यादा होना चाहिए। सो गेहूं रख के उसमें कुछ पैसे रखिए, सब परिवार ग्रहण के समय से पहले ये रख लीजिए, और ग्रहण के समय के मध्य में, बीच में, या ग्रहण शुरू होने के बाद कभी भी उसमें सब परिवार हाथ लगाइए, दान का संकल्प कीजिए, और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसको बंद करके बाहर दे दीजिए। वो देने के बाद नहाइए, नहाने के बाद शुद्ध होकर के घर में साफ जल का, गंगा जल का छींटा दीजिए, सही है। अब हमें क्या करना चाहिए। खाने पीने की जहां तक बात है तो उस समय में खाना पीना नहीं चाहिए, पानी भी वैसे तो नहीं पीना चाहिए, परंतु स्वयं भगवान ने ये बात कह दी है कि कुछ जगह पे जैसे बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं वो पानी पी सकती हैं, परंतु उसमें तुलसी या कुशा मिली हुई होनी चाहिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पे खाने की बात जहां तक की गई है कि खाना नहीं खाना चाहिए, तो गुथा हुआ आटा भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। वाटर कंटेंट जिन खानों में है, जिस भोजन में है, उनको भी आप स्टोर करके ना रखें, एक रात पहले या सुबह ही खत्म कर लें, उसको यूज कर लें। अभी आपको जितना हो सके पाठ पूजा करना चाहिए, किसी भी तरह के वहम में नहीं पड़ना चाहिए, घबराहट में नहीं रहना चाहिए। इस समय पे बहुत यात्रा करना
वो कोशिश करनी चाहिए कि उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें यात्रा करने। पर तुम यदि बहुत जरूरी है तो अपने साथ तुलसी पत्ता लेकर के जाएं, यात्रा करें। आप ये बात जरूर याद रखिए मित्रों कि चाहे किसी भी तरह का परिणाम हो, प्रभाव हो, आपके किसी भी तरह के कर्म हो, तीव्र गति से चलने वाले कर्म भी हो, तीव्र कर्म भी यदि आ जाएं, आप वो भुगत रहे हैं, यदि आप ईश्वर से जुड़े हैं, उस ईश्वर की ऊर्जा से जुड़े हैं, तो आप ये याद रखिए कि ईश्वर स्वयं आपकी उंगली पकड़ के आपको उससे बाहर निकालते हैं। इसलिए किसी भी तरह की घबराहट का कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ उस ईश्वर से जुड़े रहना है। उस ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव किसी भी चीज का नहीं पड़ेगा। यदि कोई संकट आएगा भी, कोई प्रॉब्लम होगी भी, कोई परेशानी आएगी भी, तो वो ईश्वर आपको उंगली पकड़ करके उस परेशानी से बाहर ले जाएंगे। तो इसलिए डू मेडिटेट, भजन करिए, सिमरन करिए, उस ईश्वर का नाम लीजिए, मंत्र जाप करिए, कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, जब एक इच्छा से, सच्ची भावना से किया जाता है तो मंत्र आपके लिए फलदायी साबित होता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको किसी भी तरह की घबराहट से, बिकॉज मैं बहुत सारे फोन कॉल्स ले रहा था पिछले कुछ दिनों से, और ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि इस ग्रहण के बाद बहुत खराब होने वाला है, समय बहुत कष्टदायी होने वाला है, सबके लिए होने वाला, वो होने वाला है। सो कई तरह की घबराहट लोगों के मन में देखने को मिल रही थी। परंतु एक चीज याद रखिए, जब ईश्वर से जुड़े हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको ऑटोमेटिकली ईश्वर की ऊर्जा का, प्रेम का, सुरक्षा कवच मिल जाता है। सो इसलिए उससे जुड़े रहिए, नियमितता बनाइए, प्रेम बनाइए, क्योंकि आप स्वयं उस ईश्वर का ही अंश हैं और आपके अंदर वही परमपिता बैठा हुआ है। इसलिए घबराइए नहीं, अवेयरनेस आपको जरूर मदद करेगी। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत सावधानियां होती हैं, वो जरूर करिए। उस समय कहा जाता है सोना नहीं चाहिए, आग नहीं जलानी चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, तो ये जरूर करिए, इन चीजों को परहेज करिए। कुछ काटना नहीं चाहिए, कोई औजार नहीं यूज करना चाहिए, तो वो जरूर करिए, वो परहेज जरूर करिए। ईश्वर का नाम जितना हो सके वो लें। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको फायदा देगी। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। धन्यवाद। थैंक यू।